फ्रेंड्स, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ आपको तो देखकर पता लग ही क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्की। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें और कैसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके और कद्दूकस कर लिया है। इसे मैश नहीं करना है, इसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून इसके अंदर भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, कटा हुआ बारीक धनिया, और इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। आप इसमें मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद इसमें मैं ब्रेड क्रम्स डालूंगी। आप यहाँ पे कॉर्न फ्लावर डाल सकते हैं। तो इसमें 4 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। आप अपने आलू के हिसाब से कम या ज़्यादा ब्रेड क्रम्स कर सकते हैं। तो अब इसे हम हाथों से अच्छा से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसका टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे, हाथ को चिकना कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के हम इसका टिक्की बनाएंगे। टिक्की आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गोल करके थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा फैला देंगे इस साइज में। किनारियों से इसे अच्छा से हम गोल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टिक्की बनके तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा टिक्की भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है। तो ये दूसरा टिक्की भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे टिक्की को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारे टिक्की बनके रेडी है। तो चलिए इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं हमने सारे टिक्की को तैयार कर लिया है। उसके बाद से गैस ऑन करके हमने पैन रखना है या तवा रखना है, कुछ भी आप ले सकते हैं। उस पर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर फैला देंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमें सेलो फ्राई करना है तो हम तेल इसमें कम डाल रहे हैं। आप चाहें तो डिप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जितना टिक्की एक बार में आएगा उतना हम इसमें रख देंगे और 2 से 2.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड से हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो चलिए इसे पलट लेते हैं और फिर उतना ही टाइम के लिए हम दूसरे साइड भी फ्राई कर लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक साइड में गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन हमें दूसरे साइड भी सेकना है। तो ये सिक चुका है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सारे टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सारे टिक्की को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे अब सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक प्लेट लेंगे हम और मैं यहाँ पे 2 टिक्की को सर्व करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप सारे मेंबर को सारे टिक्की सर्व करिए। तो यहाँ पे फेटा हुआ दही हमने लिया है, इसमें चीनी हमने डालकर दही को अच्छे से फेंट लिया है और हम इसे आधे घंटे के लिए छन्नी में दही को रख दिए थे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और दही बस थिक बच जाए। तो दही आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो हमने दही सर्व कर लिया है इस पर। उसके बाद से हम इसमें ग्रीन चटनी डाल रहे हैं और बहुत तीखी चटनी है, तो आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद से मीठी चटनी हम इस पर ऐड करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं तीखी मीठी चटनी के बाद हम थोड़ा सा धनिया इस पर डाल देंगे और थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे। उसके बाद से इस पर हम अनार के दाने डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक नमकीन आप डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे बनके तैयार है हमारा आलू टिक्की। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।